Hey, hi, what's up guys, Sunil Patil and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing absolutely fine. Well, दोस्तों अभी मैं आया हूँ वाघबिल गांव के backside to explore a cycling track. मतलब पूरा off-roading cycling track है दोस्तों, जो recently मैंने discover किया है. मतलब मैंने discover नहीं किया है, actually मेरे एक दोस्त है रितु. Yo. सो वो काफ़ी ज़्यादा कैमरा शाय, इसके लिए मेरे व्लॉग में नहीं आ रही दोस्तों. तो उसने कल मुझे ये लोकेशन सेंड किया था. तो यहाँ पर एक टेम्पल है, नागोबा टेम्पल दोस्तों, उसका नाम है नागोबा टेम्पल. और यहाँ पर एक साइकिलिंग ट्रैक है, तो मोस्टली लोग यहाँ तक मतलब साइकिलिंग करते हैं और यहाँ से रिटर्न चले जाते हैं. तो मैंने भी वही किया, यहाँ तक मैं साइकिलिंग करके आया और फिर रिटर्न जाने का सोच रहा था. तभी मैं सोचा कि यहाँ पर एक ट्रैक दिख रहा है तो थोड़ा एक्सप्लोर करूँ. तो ये ट्रैक के ऊपर मैं साइकिल चलाते गया तो कम से कम 2-3 किलोमीटर में आगे गया और पूरा परफेक्ट ऑफ रोडिंग के लिए ट्रैक है दोस्तों. तो मैं 2-3 किलोमीटर आगे गया और फिर उसका सोचा कि रिटर्न जाता हूँ, बिकॉज आगे का जो रास्ता है वो मेरे लिए अननोन है. तो मैं घर पे गया, गूगल के ऊपर मतलब गूगल मैप्स के ऊपर रिसर्च किया. गूगल मैप्स के ऊपर रिसर्च करने के बाद मुझे समझा कि ये जो ट्रैक है वो कम से कम 5-6 किलोमीटर से एकदम आगे तक जाता है और मतलब क्रीक जो है, मतलब थाने का जो क्रीक है कोलचित खाड़ी, उसके साइड से जाता है और सीधा भाईंदरपाड़ा से बाहर निकलता है. तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं ये पूरा ट्रैक एक्सप्लोर करने वाला हूँ. तो लेट्स सी हम लोग कहाँ तक जाते हैं और कितना टाइम लगता है. पूरा ऑफ रोडिंग है. तो अभी मैं रितु को छोड़ता हूँ बिकॉज़ वो आगे तो आ नहीं सकती, बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा ढलान वाला ट्रैक है, मतलब डाउन ट्रेल काफ़ी ज़्यादा है. तो अगर बैलेंस वैलेंस जाता है तो प्रॉब्लम हो सकता है. तो उसको भी अभी रिटर्न छोड़ के आता हूँ जहाँ पर वो रहती है. वेल दोस्तों, ये है नागोबा टेम्पल और यहाँ से ट्रेल्स एंड हो जाते हैं. और जो ट्रेल मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ वो वाला ट्रेल है. वेल हम लोग ने सोचा कि थोड़ा ऊपर एक्सप्लोर करके आते हैं, क्या है देखते ऊपर क्या है. अरे जा 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 जा, कुछ आएगा तो बता दे साहब. आप खत्म. यहाँ से जो व्यू है दोस्तों काफ़ी मस्त व्यू है. बस इतना है कि अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे आते तो जैसे प्रॉपर सनराइज दिखता. अभी तो 8 बज चुके हैं, उसके लिए पूरा सनराइज हो गया है. बट अगर 6 बजे आते तो यहाँ से मस्त सनराइज दिखता. और यहाँ पर पूरी दूर दूर तक खेती है. हो गया एक्सप्लोर करके. चल आगे जाते हैं. किधर जाएंगे, किस पे जाएंगे? नागोबा टेम्पल इधर, नागोबा पक्का आएगा. क्या करवा रहे हो अभी मेरे से, इधर ही ट्रैकिंग करवाना है क्या? मत आ गए तू. वेल सो हम लोग के साइकिल्स और ये जो ट्रेल है यहाँ से आपको थोड़ा सा दिख सकता है. यहाँ से ऐसे आगे आगे तक जाता है और कम से कम 5-6 किलोमीटर आगे जाता है. और यहाँ से पूरा का पूरा, अभी गोप्रो तो ठीक से दिखा नहीं पाएगा दोस्तों, बट यहाँ से पूरा सिटी लाइन दिखता है एकदम मस्त. और वहाँ पर है संजय गांधी नेशनल पार्क के माउंटेन्स. और ये जो खेती है वो कम से कम ऐसे लाइक 2-3 किलोमीटर का आगे खेती है और फिर उसके बाद सिटी स्टार्ट होता है. हाँ वेल दोस्तों, अभी मैं जा रहा हूँ इसको छोड़ने, मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है उधर तक, और फिर मैं रिटर्न आऊँगा और फिर पूरा का पूरा ट्रैक एक्सप्लोर करूँगा. वेल दोस्तों, अभी काफ़ी लेट हो चुका है, हम लोग ने काफ़ी ज़्यादा टाइम पास किया. अभी टाइम हो रहा है 9 बज चुके हैं दोस्तों अभी. और अभी मैं साइकिल राइड को स्टार्ट करूँगा तो लेट्स सी ये जो 5-6 किलोमीटर्स ऑफ रोडिंग है वो कितने टाइम में मैं कवर कर लेता हूँ. बट मुझे डर इस बात का लग रहा है कि 5-6 किलोमीटर्स पूरा मतलब एक साइड खाड़ी है और एक साइड पूरी बंजर ज़मीन है. बंजर ज़मीन है मतलब पूरी खेती है, मानसून में खेती रहती है यहाँ पर, बट अभी मानसून नहीं है इसलिए पूरा बंजर ज़मीन है दोस्तों. तो इनकेस मैं रास्ता भटक जाता हूँ या फिर मैं बीच में कहाँ पर अटक जाता हूँ तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है. तो लेट्स सी कि क्या होता है. मुझे तो नहीं लगता कुछ प्रॉब्लम हो मतलब होना चाहिए, बिकॉज गूगल मैप्स पे तो मैंने देखा था पूरा स्ट्रेट रास्ता है. बट आगे जाके काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोडिंग है, मतलब जो डाउन ट्रेल्स है वो काफ़ी ज़्यादा रॉकी और मड़ी पैच है. मानसून में तो यहाँ पे पूरी जन्नत होती रहेगी मतलब साइकिलिंग करने को, बट उसके ही साथ साथ काफ़ी ज़्यादा चिक्कल और काफ़ी ज़्यादा रॉक्स रहेंगे. तो अभी स्टार्ट करते हैं अपनी साइकिल राइड को एंड लेट्स सी कहाँ तक पहुँच पाते हैं.
ये जो नागोबा टेम्पल है उसका गूगल मैप्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो ये जो मतलब सीमेंट वाला जो ट्रेल है वो ऐसे टेम्पल के पास जाता है और लेफ्ट साइड से पूरा ऑफ रोडिंग है। तो ये हम लोगों को करके जाने का जो सीधा भाईंद्रपाड़ा निकलता है। वेल दोस्तों, अभी मैंने ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर कवर कर लिया है और ऑफ रोडिंग करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बस प्रॉब्लम ये है कि बीच बीच में ऐसे पॉटहोल्स आते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखो, वहाँ पर एक पॉटहोल है, वो तो छोटा है काफ़ी, इससे बड़े बड़े पॉटहोल्स आते हैं बीच बीच में और सडनली ट्रेल के बीच में जो पॉटहोल होते हैं तो कन्फ्यूज़ होने को होता है दोस्तों। और डाउन ट्रेल है तो कैसा साइकिल बैलेंस भी होता नहीं है। वहाँ पर मैं गिर गया था दोस्तों, मेरा गोप्रो ऑफ था इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाया। और जो टायर है आगे का टायर उसमें फंस जाता है और साइकिल पूरा ऐसा उल्टा होने का चांस रहता है। और दूसरी बात, मतलब ये जो साइड के झाड़ है वो काफ़ी ज़्यादा थॉर्नी है, आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा थॉर्न्स है इसको, बिकॉज ये पूरी की पूरी मार्शलैंड है एंड ये जो है वो पूरे मैनग्रोव्स है, उसके बैक साइड खाड़ी है इसलिए। एंड ये जो झाड़ है काफ़ी ज़्यादा थॉर्नी है, इसलिए मैंने ग्लव्स पहन लिए, हाथ को भी चुभ रहे थे और पैर को भी काफ़ी ज़्यादा चुभ रहे थे दोस्तों। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, साइकिलिंग करने में तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, सोलो ऑफ रोडिंग करने में एक अलग सी मतलब अलग सी खुशी होती है, मतलब एकदम एडवेंचरस फील होता है। एंड थकावट भी ज़्यादा हो रही नहीं है, मतलब मैंने ऐसा सोचा था कि अभी समर से तो काफ़ी ज़्यादा थकने को होगा, बट थकावट बिल्कुल हो रही नहीं है। पसीना काफ़ी ज़्यादा आ रहा है बट थकावट ऐसे बिल्कुल हो रही नहीं है। एंड मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा टाइम लगेगा, अभी जो रिमेनिंग 3-4 किलोमीटर बचे हैं वो कवर करने को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर से गिर गया दोस्तों। डाउन ट्रेल एंड ऑफ रोडिंग करते समय दोस्तों सेफ्टी गियर्स का एकदम ठीक से ख्याल रखना, बिकॉज आपने देखा अभी जस्ट कैसे, मतलब इतना स्लो साइकिल था फिर भी वो पॉटल में अटक के साइकिल पूरा पलटी हो गया। मैंने खुद का बैलेंस बना लिया, मतलब ज़्यादा कुछ मैं साइकिल स्पीड में नहीं था इसके लिए मैं बच गया, कुछ लगा नहीं मेरे को। बट अगर यही डाउन ट्रेल देता और साइकिल स्पीड में रहती और मैं पॉटल में अटकता दोस्तों तो काफ़ी, मतलब मैं सीधा मुँह के ऊपर गिर जाता। तो ये ध्यान में रखना कि सेफ्टी गियर्स इज़ मस्ट डाउन ट्रेल एंड ऑफ रोडिंग करते समय। एटलीस्ट हेलमेट तो एकदम अच्छा क्वालिटी का पहन के ही करो। तो अभी साइकिल उठाता हूँ, मेरा गोप्रो थोड़ा चार्जिंग पर लगता हूँ, बिकॉज वहाँ पर मस्त बैठने के लिए जगह है, एकदम ठंडी हवा आ रही है वहाँ पे। गोप्रो चार्जिंग पर लगाता हूँ, थोड़ा पानी पीता हूँ। यहाँ के ट्रेल्स के लेवल डिफिकल्ट पे डिफिकल्ट होती जा रही है। स्टार्टिंग में एकदम प्लेन और एकदम इजी ट्रेल्स थे, उसके बाद थोड़े डिफिकल्ट हो गए और अभी तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो गए ट्रेल्स, मतलब पूरा लूज सैंड है और काफ़ी बड़े बड़े रॉक्स है, तो साइकिल अटकती भी जा रही है और रॉक्स के ऊपर से स्लिप भी हो रही है। और अभी थोड़ी गर्मी महसूस होना स्टार्ट हो गई है, बिकॉज अभी टाइम हो रहा है 10:25। फिर भी अच्छी स्पीड पकड़ ली है दो बार। यहाँ पर अभी जस्ट मैंने काफ़ी बड़ा वाटर स्नेक देखा, यहाँ पर बैठा था पत्थर के ऊपर, जैसे मैं आया फटक से वो देखा है अभी भी हिल रहा है,
देख सकते हो। एंड यहाँ पर ट्रेल के बीच में एक ऐसा कंक्रीट का ब्लॉक है, आई गेस यहाँ पर पाइपलाइन है जो पानी मतलब खाड़ी में आउटलेट देने के लिए। वैसे दोस्तों कल जब मैंने मैप्स में देखा था तो ये टावर के बाद सीधा ट्रेल बता रहा था, बट ये ट्रेल साइकिलिंग करने लायक तो है नहीं। और ये जो ट्रेल जाता है वो सीधा सिटी में मतलब काफ़ी अलग जगह पे जाता है, इसका आइडिया नहीं है मेरे को, तब मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज्ड हूँ। तो यहाँ से जाऊँ या यहाँ से जाऊँ सोच तो रहा हूँ, यहाँ से जाके देखो बिकॉज आगे मुझे तो लगता है मतलब वहाँ से दिख रहा है आगे पूरा जो पहले का ट्रेल था वैसा ही रहेगा यहाँ पे, और यहाँ से पूरा सिटी के अंदर से मेरे को जाना पड़ेगा, सबको पूछ पूछ के जाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ कहाँ से जाऊँ, यहाँ से ट्राई करता हूँ थोड़ा आगे, अगर नहीं होता है तो यहाँ से ही जाना पड़ेगा। नॉट पॉसिबल गाइज, यहाँ से आगे जाना पॉसिबल लग रहा तो नहीं है, बस काफ़ी ज़्यादा थॉर्नी झाड़ है यहाँ पर। अच्छा हो गया साइकिल लेके नहीं गया आगे तक। वेल दोस्तों ये टावर एज ए लैंडमार्क याद रखो, और यहाँ से हम लोग को लेफ्ट वाला ट्रेल लेना है। ये ट्रेल अभी तो काफ़ी ज़्यादा नैरो लग रहा है, बट मे बी कोई सीज़न में ये ट्रेल ओपन हो सकता है ठीक से, या फिर यहाँ ये झाड़ किसी ने जला दिए तो ये ट्रेल ओपन हो सकता है। तो ये ट्रेल मत लेना दोस्तों, ये मतलब ये जो ट्रेल है वो सीधा लोधा के पास जाता है, बट मैंने सोचा कि यही ट्रेल लूँ बिकॉज ये ट्रेल काफ़ी नॉर्मल सा है और बाइक भी यहाँ पर है, मतलब यहाँ से बाइक भी ईजिली आ सकती है, तो मैं ये ट्रेल लेके ही जाता हूँ। बाय द वे यहाँ से स्काई लाइन जो है दोस्तों तो मस्त दिख रहा है, स्टेट बाद में विजयनगरी एंड ऑल, काफ़ी मस्त लग रहा है। तो अभी यहाँ से हम लोग करते हैं अपना साइकिल कंटिन्यू। वेल दोस्तों यहाँ पर मैंने एक फाइनल वाला ब्रेक लिया बिकॉज मेरा जो GoPro है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दे रहा है मेरे को, ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम दे रहा है, ऊपर से उसका बैटरी फटक से ड्रेन हो जा रहा है। जो मैंने लास्ट ब्रेक लिया था वहाँ पर मैंने मेरा GoPro बैठ के आराम से 60% चार्ज किया था और ज़्यादा कुछ मैंने शूट भी नहीं किया, और अभी सीधा 3% के ऊपर बैटरी आ गया। तो GoPro वालों कुछ तो करो यार, ये एक एक्शन कैमरा है और ऑफकोर्स गर्मी ठंडी के लिए बना है ये कैमरा, और इंडिया की नॉर्मल गर्मी अभी तो मई स्टार्ट भी नहीं हुआ है, अप्रैल की गर्मी में GoPro का ये हाल हो रहा है, तो मई की गर्मी में क्या हो जाएगा। मैं व्लॉगिंग तो कर ही नहीं पाऊंगा बिकॉज गर्मी, ऊपर से GoPro का प्रॉब्लम। बाय द वे जो मैं आपको ट्रेल बताया वो स्टार्ट होता है नागोबा टेंपल से, और आधे रास्ते तक वो एकदम प्लेन और काफ़ी आसान ट्रेल है, तो कोई भी बिगनर साइकिलिस्ट रहेगा वो भी आराम से ऑफ रोडिंग कर पाएगा दोस्तों। बाय द वे मैं भी ऑफ रोडिंग के लिए काफ़ी नया हूँ, मेरे को भी ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस है नहीं ऑफ रोडिंग का, तो अगर आपको स्टार्टिंग टू मतलब नागोबा टेंपल से आधे रास्ते तक आप आते हो तो आप आराम से साइकिलिंग करके वहाँ से रिटर्न जा सकते हो जहाँ से आए वहाँ से, और अगर आपको पूरा एडवेंचर करना है जैसे मैंने किया, पूरा ऑफ रोड करना है, तो आपको यहाँ से आना पड़ेगा। और ये रास्ता निकलता है ओला हाईवे के ऊपर निकलता है। तो अभी यहाँ पर मैं थोड़ा बैठता हूँ, पानी पीता हूँ, GoPro चार्ज करता हूँ, और ये मस्त झाड़ के नीचे थोड़ी विश्रांति करता हूँ, और फिर मिलता हूँ आपको आगे। एंड वन मोर थिंग गाइज, अगर आप ये ट्रेल के ऊपर आते हो ऑफ रोडिंग करने के लिए, भले आप हाफ ऑफ रोडिंग करो या फिर फुल ऑफ रोडिंग करो, अगर आप आते हो तो एक काम जरूर करना, सेल्फी निकाल के मुझे इंस्टाग्राम स्टोरीज के ऊपर या फिर इंस्टाग्राम पोस्ट के ऊपर टैग करना, इंस्टाग्राम लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड आई विल मेक श्योर आई विल पोस्ट योर स्टोरी ऑन माई इंस्टाग्राम स्टोरीज, एंड लेट्स बिल्ड द कम्युनिटी गाइज। दादा हायवेला कुठला रस्ता जातो? हाईवे इथून। वेल दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से ऐसा बड़ा जो ट्रेल आता है मतलब रोड ही है, ट्रेल नहीं है, और यहाँ पे एक छोटा ट्रेल जाता है, मैं गलती से ये साइड जाने वाला था, तो ये आप लेना मत, ये वाला जो बड़ा रोड टाइप ट्रेल है वो लेना जो आपको सीधा गांव में लेके जाके सीधा हाईवे पे छोड़ेगा। अच्छा हो गया अंकल ने मेरे को बता दिया, नहीं तो मैं गलत जगह पर चला जाता।
So guys, in coming monsoon, we will definitely plan a cycle ride on this trail. For that, just keep following me on Instagram and Telegram to get all the updates. So with that being said, I will just end the video here itself. And agar aapko ye video acha lagta hai, to aapko pata hai kya karna hai. And for more such adventurous content, just subscribe to my channel and press the bell icon. So guys, I will see you soon in the next one. Till then, take care. Bye bye. Jai Hind, Jai Bharat.